Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, Sarki Sai link description box mein. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Hum kar rahe hain hilarious Gujarati food challenge with Viraj Ghilani, Saiba Wali, Zomato. I think हमने already food challenge देखा हुआ है यहाँ पर. It was with Samay Raina. I was not particular food cuisine, लेकिन यह है गुजराती food और मैं हूँ गुजराती. So जैसा हमने discuss किया था last time, I do want to do more of गुजराती related videos. अगर है तो और ये सिंस Zomato का है, इसमें गुजराती लाइक लैंग्वेज नहीं होगी तो सबको समझ में भी आएगा. बात बात भी अगर मेरी गुजराती निकल जाए तो डू नॉट माइंड इट, इट्स माई मदर टंग, कुछ नहीं कर सकती मैं उसमें. अरे तो आवे जरूरी चले, थोड़ा आगू तो जरूरी है, राइट? गुजराती गुजराती ना बोले थोड़ी चले. सो लेट्स गो, होपफुली आई वोंट ड्रूल इन दिस वीडियो. अभी खा के बैठी हूँ मैं बाय द वे, सो ऐसा नहीं होना चाहिए. यूजुअली आई वेक अप रियली अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन अभी थोड़ी तबीयत इतनी ठीक नहीं है. सो व्हाटएवर, ठीक है, हो जाएगी मैं भी ये देख के या फिर बिगड़ जाएगी, वो नहीं पता है. लेट्स गो विद द फूड चैलेंज ऑफ Zomato, लेट्स कीप इट प्लेइंग. चलो जी यू जे जे दिस इज एग्जैक्टली व्हाट नॉर्थ इंडियंस थिंक अबाउट गुजराती. ऐसा नहीं होता है, तू गांडी छे. एक्सक्यूज मी. बहुत जल्दी पॉज कर लिया, बट इट्स ओके, क्योंकि हम गुजरातीज को भी नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सबके लिए एक स्टीरियोटाइप होती है. लेकिन 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 हाँ, ये जो वर्ड उन्होंने बोला, लाइक आई यूज टू गेट लॉट ऑफ कॉमेंट्स लाइक इडियट और नॉनसेंस को द सी एच वर्ड और बक समथिंग बोलते, राइट? बट दैट इज़ अ लाइक आई थिंक इट्स अ नॉर्थ इंडियन थिंग, मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं ठोस ऐसे ठोकिन ना कोई सुखे वस्तु, राइट? कि आवुज है, आवुज हंसे, बट फॉर मी दिस इज़ अ गाली जो सी एच वर्ड है और वो बक सी एच वर्ड अगेन. बट इडियट और नॉनसेंस बहुत नॉर्मली निकल सकता है, और ऑल्सो इसमें जेनिटल्स नहीं आते, सो इट्स अ होल डिफरेंट थिंग, और यूट्यूब इसीलिए अलाउ करता है इडियट और नॉनसेंस बोलना. So I used to get a lot of comments saying, "Arre yaar, you can say this and you can't say this. Oh, this and that." It's because we don't consider this a gali, lekin yahan isko gali bolte hain. The same thing with the backside. Gujaratis ke liye wo gali nahi hai. So I realize it's different in different regions. This I don't want to say it, kyunki wo bhi at the end of the day, agar aap log sochoge, then wo gali hogi. Lekin hamare yahan uske piche you lagao, I lagao. ए लगाओ, हम उसको नॉर्मली आर यू मैड, लाइक पागल है तू, उस तरह से बोलते हैं, और वो यहाँ पे हर जगह यूज होती है, उसको गाली नहीं बोलते यहाँ पे. जस्ट वांटेड टू से दैट. सॉरी सॉरी. आओ स्टॉप प्लेइंग विद टुडे. आई एम करवा राज गिलानी. आज हम ट्राई करेंगे प्योर वेजिटेरियन नवरात्रि फूड. बट नवरात्रि फूड बैकग्राउंड अबाउट मी, आई एम अ कश्मीरी, माय फादर इज अ सिख, सो आई हैव नेवर केप्ट नवरात्रि व्रत, एंड आई एम अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन. जब भी आपने व्रत बोला ना तभी समझ गया था व्रत होता है वो. ओह सॉरी. हाय गाइस, मैं हूं विराज गिलानी, मैं हूं गुजराती छोकरो, एंड अभी एडिटर होगा ना जो वो पीछे हे जीरे करके गाना लगा देगा. मैं नानी और मैं मॉम वो रिलेटेबल का खाना खाते हैं. हाँ. मैं और मेरे पापा नहीं करते, तो मैं तो हाँ क्या मतलब हर रोज मैं डोंट यूज द सी वर्ड. इफ यू वांट टू यूज द सी वर्ड यू कैन से Che. So I'm used to eating only che because I'm not from this background. What is che? So first dish is what? Che is called sabudana. Che, I don't know how to. So fun fact about sabudana. Yeah. मतलब वो bubble tea क्या होता है? Like what trending bubble tea है? तो bubble tea में जो bubbles होते हैं, they're actually sabudana family. Drop tapioca. Tapioca. Sabudana family. Damn, mic drop. Fun fact.
कि ये भाई चाइना से साबूदाना आया था, उसके बाद इंडिया ने अडैप्ट किया और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये बिकता है। अकॉर्डिंग टू मी खिचड़ी हम तभी खाते हैं जब कोई घर पे बीमार होता है। नहीं नहीं, ये तो हमारे यहाँ हर रोज बनती है ऑलमोस्ट। अरे बस बस कितना खिलाओ, जस्ट इन जनरल खिचड़ी, खिचड़ी भाकरी इज नॉर्मल। हाउ इज इट? नो, वाज टू गुड। यू कैन टेस्ट दिस, ये देखो चटनी है ना, इसके साथ भी टेस्ट कर सकते हो। जो भी ये देख रहा है अगर आपने साबुदाना खिचड़ी इज अमेजिंग, वाओ ब्लेस यू, अगर नहीं खाया हुआ यू रियली मिसिंग आउट। आप बात करते रहो, एक बाइट देना। So you don't want extra. और रखा है ना? क्या है? अरे दूसरा बोल नहीं ना अपने पास अभी। तो ये पार्ट में डालना प्लीज। ये डालो ये वाला। Have you ever been to any गरबा places जहाँ पे गरबा खेलते लोग? मैंने देखा हुआ है। I didn't take part, मैंने देखा हुआ है। गुजरात। गुजरात में ना पेरेंट्स स्पाइस रखते हैं कि मतलब उसकी या तो बेटा या तो बेटी क्या करते हैं गरबा के बाद। इट्स अ लेजिट स्पाई का धंधा होता है वहां पे। साउंड्स लाइक माय पेरेंट्स, लव यू मॉम। पन्नम की सेल नॉट माय पेरेंट्स कांता बे लेजिट वर्जन बस मेरे लिए घर आती है इसलिए। ओह एंड देन हाउ डू यू लाइक स्वाइप लेफ्ट एंड स्वाइप जो यू डांडे होते हैं टक स्वाइप लेफ्ट टक स्वाइप राइट नो राइट ऑन तो आई वुड सुपर लाइक यू नो मैं नटखट है बहुत सुपर लाइक यू नो दे गेट मैरिड आल्सो एक रात में मिले डांस किया सारी एंड देन फिर लोग को मजा आने लगता है मतलब इन जनरल देयर इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यू नो आई एम टेलिंग यू नो वो लोग मिलते सिर्फ उसके लिए फिर वो लोग टू इंप्रेस दैट वो डांस सीखते हैं लेट मी टेक यू टू गुजराती गरबा का टुमारोलैंड ठीक है 3 2 1 डल यू वांट मी टू टेक यू आउट ऑन अ गरबा डेट चलो कितना इजी होता है ना नवरात्रि में 5 6 7 8 1 2 ओह माय गॉड ये बैठ के देखना है पाप है मेरे लिए 2 आवर्स लेटर गरबा इज नॉट दैट इजी लेकिन आप मैं डांसर्स में आ सकते हो मैं सिखा सकती हूं मेरे से नहीं हो रहा है मैं 3 आवर्स लेटर कैन यू मूव इट अलोंग आई एम ऑल आउट ऑफ टाइम कार्ड्स 1 2 3 ये तो इजी है 4 5 Right, she got it. Great. Wow. Thanks. हो गया एक स्टेप तो आ गया ये 9 दिन में एक ही शख्सियत है जो बहुत फेमस होती है फाल्गुनी पाठक I hope you are aware of फाल्गुनी पाठक Can I be very honest with you? So after नेहा कक्कर she's going to be for a Navratri special more like out there. फाल्गुनी पाठक ma'am obviously dates नहीं मिली because she's in the states so राजगिरा का रोटी और राजग्रानी रोटी राजगिरा के पैनकेक्स क्या कहाँ गिरा राज वेयर यू आर अगर ये मैंने बनाया तो फिर राजगिरा की रोटी दिस वीडियो आई एम रिटेंडिंग टू वर्स्ट जोक्स एवर तो ये है इसके साथ खाते हैं ये आलू की सब्जी जो बनता है दही और छाछ के साथ मिलके तो एक सेकंड तुम प्रोटीन कहाँ से लाते हो आई लव आलू आलू वी लव आलू सुप्रीमेसी आलू वी लव बट आलू सुप्रीमेसी आलू इज आर्च सॉरी मम्मी अगर तुम्हें जोता हो तो मैंने खबर नहीं आवस्तु आलू इज द न्यू छे आलू इज द न्यू छे बट हां तो प्रोटीन आता है पर आलू गुजराती हर नॉन वेजिटेरियन चिकन भी खाते हैं मैं एग्स भी खाते हैं खाओ ना हां ये जो है ना छाछ इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है ले लो पी लो इसमें ठीक है लॉट ऑफ देम टेस्ट अमेजिंग कितने स्वीटली ही इज गिविंग मी दिस सब्जी कैसे कैसे खट्टा मीठा हां इट्स लाइक छाछ ओनली तो उस उससे ही बना है छाछ के अंदर आलू ठीक है वही है तड़का डाला है फिर वो लोग ने ये कड़ी पत्ती दिख रहा है ये दिस इज रियली गुड यार वो छाछ से एक्चुअली उसके ऊपर तो थोड़ा रोटी भी बनती है लाइक आलू और आलू नॉट घर ली रोटी लाइक दैट आई डोंट नो इफ यू नो इट दिस इज गुजराती आउट देयर दे यू नो इट्स मीठा हां इट्स मीठा प्लस खट्टा प्लस आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद शेफ विराज गिलानी गुजराती फूड एंड गुजी बॉयज ये गलत इशारा हो रहा है सुपर लाइक गुजराती खाना लस्सी मीठा होता है मुझे बताओ कि ये सारी प्लेट्स मेरे घर की तो नहीं लग रही ये आपका घर का है और बाकी सब हमारी लवली प्रोडक्शन टीम लेके आई है वी ऑलवेज आर प्रिपेयर्ड व्हाटएवर यू डोंट नीड इज ऑन ज़ोमैटो तो गेम ये है दैट आई एम गोना आस्क यू अ बंच ऑफ क्वेश्चंस ओके एंड इफ यू रिपीट अ सर्टेन वर्ड यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट यू विल हैव टू हैव अ शॉट ऑफ योर छाछ
वो लव इट मुझे खिलाओ ऐसा छाछ वाला सो 2 4 6 6 पियो मैंने रिपीट क्या किया अब तक अरे अच्छा ठीक है ना मैं बहुत स्मार्ट है व्हाट्स योर फेवरेट मूवी काइपो 6 ड्रिंक व्हाट इज आ 6 बोर्ड गेम चेस चेस व्हाट्स योर फेवरेट रिवॉल्यूशनरी आई गॉट इट नाउ ओके व्हाट्स योर फेवरेट कल हो ना हो मूवी रेफरेंस जिसमें एक लड़की को पटाना होता है 6 दिन लड़की इन चीयर्स तुम्हारे कुर्ते में कुछ है क्या छेद दिस आई लाइक बट व्हाट इज दिस अमंडा इट्स कॉल्ड फरारी चेवड़ा ओ चेवड़ो आई टोल्ड यू डोंट लाफ फरा इज इट फनी आई टेल यू व्रत होता है पहली बार सोच रहे फिर उपवास व्रत उपवास और फिर फराड 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 फराड़ी चिवड़ा फराड़ी यू आल्सो से फराड़ी फराड़ी लगता है जैसे कोई मिसाइल्स है आई तो कॉल इट पोहा कैन वी सी अ पैक अप नाउ एंड गो होम गाइस दिस वाज अ बिट ओह थैंक यू इट्स रियली नाइस इट्स समथिंग लाइक चिवड़ा द एक्सेंट इज सो सेक्सी से इट अगेन ओपेस जोमाटो ये सब ऐसे नहीं बोलते स्नेक्स स्नेक्स फोटा डोसा केमेरो शट अप डोसा नहीं डोसा डिड यू जस्ट से शट अप टू मी एंड बेंडोवा नेक्स्ट इज साबुदाना वड़ा इडली विद साबुदाना वड़ा ओ यम इट्स लाइक एन आलू टिक्की दिल्ली में बहुत मिलते हैं आलू टिक्की इडली नहीं लगता राइट आई हैड दिल्ली में बहुत आलू टिक्की मिलता है आई वांट टू गो एंड ईट देयर वंस आओ बहुत सही मिलती है आई लाइक दैट पूरे वीडियो में सिर्फ लाइन मारा है सुपर लाइक कंजक में यूजुअली कंजक कंज के ओके एक सेकंड देयर समथिंग अबाउट नवरात्रि दैट आई नो एंड यू डोंट नो इज दिस अ नवरात्रि फेस्टिवल या इन नॉर्थ इंडिया हर घर में सुबह चने स्लैश छोले हलवा और पूरी बनता है और सब खाते हैं और घर की जो लड़कियां होती हैं उनको पैसे मिलते हैं तो मुझे बचपन में 10 रुपए मिलते थे हमेशा कमेंट्स में बताना इफ एनीवन इफ यू गॉट मोर देन 10 रुपीस क्योंकि मुझे अभी तक सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं मुझे समझ नहीं आता हर एक कस्टमर में लड़कियों को क्यों मिलता है ये पैसे गॉडेस ऑफ मनी क्योंकि और यूजुअली नहीं मिलते ना कुबेर रावण को जला के राम तो राम को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था वो था जलेबी तो इसके लिए लोग सब लोग पहले यही खाते हैं ऐसा कुछ तो एक वर्ड हिस्ट्री प्रोफेसर तो मैंने जलेबी तो खाई हुई है लेकिन रबड़ी के साथ खाई हुई है Jalebi is one of my favorite that also tastes really good desserts par isko apparently mix karke khata hai it depends on especially aradni jalebi eat jalebi and then to usko savor karne ke liye papda se khat khate main khaun eh raha nahi jata ha kha lo aise nahi khate pehle jalebi khao nahi papda has a abhi bahut meetha laga chutney thoda aisa aisa settle down karne ke liye they didn't give her the right thing yaar uske sath chutney hoti hai uski kadhi basically If I had an option between this and chickens too, मैं ये खाती। यार ये पूरा दिन chicken chicken करते रहते हैं। You are like that bunny from Bajrangi Bhaijaan. And you look like one. You've converted a hardcore non-vegetarian to a very very loving vegetarian food kind of a person. मुझे genuinely बहुत मजा आया खाना। I'm happy about that. Sweet था, salty था। मैं? आप भी sweet थे, tangy थे और salty थे। But honestly, I'm very, very happy that I this is going in the wrong direction. Thank you so much. So, Gujarati में ऐसा होता है कि जब भी आप किसी गुजराती के घर पे जाओगे, तो कुछ होना वो आपको इतना खिला के भेजेंगे ना कि आप ऐसा you'll feel like carb load हो गया है. Hey guys, I hope you liked this video and if you did, please make sure to like, share, super like, subscribe and comment below. Falguni Pathak OP. Yes. मेरे पास फेफड़ा नहीं है, मेरे पास फाफड़ा है. अब एडिटर यहाँ पे पीछे क्रिकेट्स के साउंड लगा रहा है इट वाज दैट बैड जस्ट लाइक योर गरबा ओ दिस वाज अमेजिंग यार प्लीज मुझे ज्यादा गुजराती वीडियोस दो ऐसे यार ये इतना मजा मुझे ये मेरा फेवरेट जोमैटो वीडियो है अब तक का सॉरी टू एवरीवन एल्स आई थिंक दो ही देखे हैं मैंने लेकिन ये मेरा फेवरेट वीडियो है ऑब्वियसली ओ माई गॉड लेकिन फाफड़ा के साथ उसकी कढ़ी होती है उसको कढ़ी बोलते हैं इट्स अ चटनी सॉस टू भी बोलो
इट्स अ येलो कलर, इट्स रियली टेस्टी. उसके साथ मुझे ज़्यादा फाफड़ा अच्छे लगते हैं. आई डोंट रियली लाइक फाफड़ा विदाउट दैट चटनी. और उसके साथ पपाया की पपा यानी छीण, क्या बोले उसको, आई डोंट नो हाउ टू से इट इन हिंदी, आई एम सॉरी. बट अगर कभी मैं फाफड़ा जलेबी खाने जाऊँ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट डॉक्यूमेंट कि आपको पता चले क्या होता है उसके साथ. और मैं सोच रही थी एक्चुअली कि मैं भी कोई काठियावाड़ी गुजराती फूड खाने जाऊँ और उसका फूड ब्लॉग करूँ, बिकॉज यू माइट नो पास्ता पिज्ज़ा, येस ऑफ कोर्स, बट यू माइट नॉट नो द प्रॉपर गुजराती काठियावाड़ी यू नो फूड. मैं अभी खा के बैठी थी, बट आई एम हंग्री. ओके, बेसिकली आई थिंक ये गुजरात ये बेसिकली नवरात्रि के टाइम पर आया था. और नवरात्रि में येस पीपल फास्ट, नॉट एवरी वन फास्ट, लेकिन मेरी मम्मी करती है, बट शी ओनली फास्ट ऑन लाइक फ्रूट्स. वो ये सब नहीं खाती है, फरार. बट यू नो फरार इज़ एक्चुअली मोर ऑयली एंड अनहेल्दी. हमारे हर फास्ट में ऐसा होता है, ज़्यादा खाना होता है रादर देन कटिंग आउट द फूड. बस हमको बोला गया तुम खाओ, मज़े करो. और हाँ, ये दिस इज़ अ गुजराती थिंग. मैंने पहले ही बोला था कि अगर किसी भी गुजराती के घर जाओगे खाने लाइक विदाउट मेकिंग यू ईट, दे विल नेवर लेट यू गो. खिचड़ी देखी है आपने तो पता होगा, वो बोलते हैं ना हाय हेलो हाउ आर, खाना खा के जाना हो. दैट्स द फैक्ट. Never go empty stomach from a Gujarati's house ever. इतना कि लाइक कि तुम लाइक 3 दिन तक नहीं खाओगे. बट हाँ, आई मीन इट्स आर थिंग. उसमें से जितना भी चीज़ दिखाया मुझे सब पसंद. आई डोंट थिंक आई नो अबाउट दिस दही आलू छाछ वाली जो सब्जी थी. वी माइट हैव इट बट इन अ डिफरेंट फॉर्म, और हर घर में अलग अलग तरीके से बनता है. सो या यूजुअली पीपल थिंक कि गुजराती फूड स्पाइसी नहीं होता और स्वीट होता है. येस समटाइम्स, बट हमारे घर पर स्पाइसी बनता है बिकॉज आई वी ऑल प्रेफर स्पाइसी. सो हर घर में अगेन इट्स नॉट द सेम स्टीरियोटाइपिकल थिंग, बट आई लव ऑल ऑफ दिस. ओके, चलो, होप यू एन्जॉय. लेट मी नो कि आपको कौन से गुजराती फूड के बारे में पता है, आपने कौन सा टेस्ट किया है, हाउ डू यू लाइक इट, और कौन सा टेस्ट कर रहा है इन द कॉमेंट सेक्शन. If you watch this video, and I'll see you guys next time. Bye, berries. Love you. Aujo.